नमस्कार। आज का टॉपिक है थर्ड पेपर का जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, मतलब जर्म प्लाज्म का संरक्षण। तो सबसे पहले आते हैं हम कि जर्म प्लाज्म क्या होता है। तो किसी भी जीव के अनुवांशिक संगठन को उसका जर्म प्लाज्म कहते हैं। जर्म प्लाज्म को टिश्यू कल्चर की सहायता से संरक्षित किया जा सकता है। हमें किस तरह से संरक्षित करना होता है? टिश्यू कल्चर की सहायता से। जर्म प्लाज्म किसी भी जीव में उपस्थित, दूसरे शब्दों में कहें हम तो, किसी भी जीव में उपस्थित जीन्स का जीवित इंफॉर्मेशन सोर्स है, जिसको लंबे समय तक कंजर्व किया जा सकता है और भविष्य में ज़रूरत के समय उसको रीजनरेट किया जा सकता है। जर्म प्लाज्म मोटे तौर पर वंशानुगत सामग्री यानी जीन की कुल सामग्री को संदर्भित करता है, जो कि जनन कोशिकाओं के माध्यम से संतानों को प्रेषित होती है। अब जर्म प्लाज्म का जो संरक्षण करते हैं, तो उसका संरक्षण हम क्यों करते हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं उसके पीछे? तो भविष्य में किसी भी समय इसके उपयोग के लिए किसी विशेष पौधे या अनुवांशिक स्टॉक की अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करना है। वांछित व बेहतर विशेषता वाले कई नए पादप प्रजातियों ने आदिम व पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले कृषि पौधों को बदलना शुरू किया है। तो लुप्त प्राय इंडेंजर्ड प्लांट को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा आदिम पौधों में मौजूद जो कुछ मूल्यवान अनुवांशिक लक्षण है वो खो सकते हैं। तो अनुवांशिक विविधता को संरक्षित, इस जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के द्वारा हम अनुवांशिक विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में पादप अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए हमको निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, जैसे ब्रीडिंग लाइंस, कल्टीवेटेड स्पीसीज, कमर्शियल वैराइटीज़, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स, लैंड रेसेस, वाइल्ड स्पीसीज फॉर डायरेक्ट यूज़, क्रॉप स्पीसीज यानी कल्टीवेटेड स्पीसीज जो इनडायरेक्टली यूज एज रूट स्टॉक्स। अब ये जर्मप्लाज्म का जो कंजर्वेशन है वो किस तरह से किया जाता है? तो जर्मप्लाज्म का कंजर्वेशन करने की दो विधियां हैं। एक है इन सीचू कंजर्वेशन, जिसको इनसाइट कंजर्वेशन कहा जाता है, और एक्स सीचू कंजर्वेशन, जिसको ऑफसाइट कंजर्वेशन कहा जाता है। इन सीचू कंजर्वेशन में जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इनकी स्थापना करके उसको प्राकृतिक वातावरण में जर्म प्लाज्म का संरक्षण किया जाता है। इस प्रकार का संरक्षण विशेष रूप से अनुवांशिक विविधता वाले कई वाइल्ड स्पीसीज के साथ निकट प्राकृतिक आवास में पौधों का संरक्षण किया जाना होता है। इस प्रैक्टिस को हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर में भी उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के संरक्षण को उच्च प्राथमिकता वाले जर्म प्लाज्म संरक्षण माना जाता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? तो पर्यावरणीय खतरों के कारण जर्म प्लाज्म खोने का जोखिम रहता है, क्योंकि ये नेचुरल वातावरण में ही हम इसका संरक्षण करते हैं, तो इस कारण से ये खतरा रहता है। दूसरा, बड़ी संख्या में जीनोटाइप के रखरखाव के लिए लागत बहुत अधिक होती है। अब दूसरा जो कंजर्वेशन दूसरी टाइप से जो हम कर सकते हैं, और ये जो इन सीचू, दूसरा जो एक्स सीचू टाइप का कंजर्वेशन है, ये कल्टीवेटेड व वाइल्ड प्लांट स्पीसीज के जर्म प्लाज्म में संरक्षण करने की मुख्य विधि है। इसके अंतर्गत बीज के रूप में या फिर इन विट्रो कल्चर के रूप में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को संरक्षित किया जाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को उपयुक्त परिस्थितियों में दीर्घकालीन भंडारण के लिए जीन बैंक में, मतलब उनके लिए जीन बैंक की स्थापना की जाती है और उनको जीन बैंक में संरक्षित किया जाता है। और जीन बैंक की स्थापना के लिए पौधों की संरचना, जेनेटिक स्ट्रक्चर आदि की जानकारी होना जरूरी होता है। जीन बैंक की स्थापना दो तरह से होती है, इन विट्रो एंड इन विवो। इन विवो जीन बैंक में
जेनेटिक रिसोर्सेज को कॉन्वेंशनल मेथड के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, जैसे सीड, वेजिटेटिव प्रोपेगल्स आदि। इन विट्रो जीन बैंक में जेनेटिक रिसोर्सेज को नॉन कॉन्वेंशनल मेथड जैसे सेल, टिश्यू कल्चर मेथड आदि के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की जो इन विट्रो विधियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं: क्रायो प्रिजर्वेशन, कोल्ड स्टोरेज या फ्रीजिंग, और लो प्रेशर लो ऑक्सीजन स्टोरेज। सबसे पहले हम आते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है। जैसा कि इसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये ग्रीक शब्द से बना है। क्रायोस मीन्स फ्रॉस्ट और प्रिजर्वेशन मीन्स संरक्षण। तो यानी क्रायो प्रोडक्ट की उपस्थिति में कम तापमान पर प्लांट सेल या टिश्यू कल्चर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके विभाजन की अवस्था को रोकना होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन का अर्थ है बहुत कम तापमान पर जर्म प्लाज्म का भंडारण करना। इसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं लो टेम्परेचर करने के लिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इस -79 डिग्री सेल्सियस पर उपयोग इसका इतना टेम्परेचर होता है। फिर लो टेम्परेचर डीप फ्रीज़र -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वेपर नाइट्रोजन -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन को नियोजित करके किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन जो -196 डिग्री सेल्सियस पर सेल को पूरी तरह इतने टेम्परेचर पर सेल जो है वो पूरी तरह से निष्क्रिय रहती है और इन्हें लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। प्लांट का कोई भी टिश्यू जैसे मेरिस्टम या एम्ब्रियोज है, एंडोस्पर्म, ओव्यूल, सीड, कल्चर प्लांट सेल, प्रोटोप्लास्ट आदि क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। इस समय सेल में किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं किसी भी प्लांट प्रोडक्ट का, तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन करते समय उसमें किसी भी तरह का डैमेज ना हो उसके लिए हम क्रायो प्रोटेक्टेंट मिलाते हैं। जैसे क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में हम डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ग्लिसरॉल, इथिलीन, सुक्रोज, मैनोज, ग्लूकोज, प्रोलिन या एसीटामाइड आदि क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जो प्रक्रिया है पूरी उसको हम कुछ चरणों में करते हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ अ स्टराइल टिश्यू, दूसरा एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट एंड प्री ट्रीटमेंट, कूलिंग, देन स्टोरेज, उसके बाद रिकल्चर, थ्रोविंग, रिकल्चर, एग्जिस्टेंस एंड रीजनरेशन ऑफ प्लांट। सबसे पहले जो स्टराइलाइजेशन है वो किसी पादप के किसी भी टिश्यू का जिसका प्रिजर्वेशन करना है हमको एज ए जर्म प्लाज्म के रूप में, तो टिश्यू का उपयोग हम क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए किया जा सकता है, जैसे एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ओव्यूल, सीड, प्रोटोप्लास्ट, कैलस आदि। क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐसे यौगिक हैं जो सेल को फ्रीज या विघलन के कारण होने वाले नुकसान से रोकते हैं। इनकी उपस्थिति से, अब ये किस तरह से नुकसान से रोकते हैं, तो इनकी उपस्थिति से पानी का फ्रीजिंग व सुपर कूलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे इस प्रक्रिया के दौरान आइस क्रिस्टल का निर्माण मंद हो जाता है और आमतौर पर इनका उपयोग एकल या मिश्रित रूप में किया जा सकता है। मतलब ये जो क्रायो प्रोटेक्टेंट है इनका एकल रूप से या फिर दो क्रायो प्रोटेक्टेंट को मिलाकर भी उपयोग में लिया जाता है। डिपेंड करता है कि किस तरह के टिश्यू का हम क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। फिर कम फ्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, कम तापमान पर सेल्स की संवेदनशीलता परिवर्तनशील होती है, तो पौधों की और वो जो संवेदनशीलता है वो पौधों की प्रजातियों पर निर्भर करती है। चार तरीके से फ्रीजिंग किया जा सकता है। एक स्लो फ्रीजिंग मेथड है, रैपिड फ्रीजिंग मेथड है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फ्रीजिंग मेथड है, और ड्राई फ्रीजिंग मेथड है। तो जो स्लो फ्रीजिंग
मेथड है धीमी गति से ठंड विधि। तो टिश्यू को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक 0.5 से माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस पर मिनट की धीमी शीतलन दर पर धीरे धीरे फ्रीज किया जाता है। फिर इसको कूल करके इस तरह से इसको ठंडा किया जाता है या कूलिंग फ्रीजिंग की जाती है, और फिर फ्रीजिंग किए हुए मटेरियल को हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में पानी सेल से बाहर की ओर बहता है, जिससे इंटरसेल्युलर फ्रीजिंग के बजाय एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्रीजिंग अधिक होती है, जिससे सेल आंशिक रूप से डिहाइड्रेट होती है और इस विधि से सेल ज़्यादा बेहतर रूप से जीवित रहती है। दूसरी विधि जो है रैपिड फ्रीजिंग मेथड। इस विधि में टिश्यू से युक्त पहले क्या करेंगे, टिश्यू को जिस भी टिश्यू का हमको फ्रीजिंग करना है उसको बॉटल में ले लेते हैं या किसी कंटेनर में ले लेते हैं, छोटे कंटेनर में ले लेते हैं, और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाया जाता है और तेज़ी से ठंड के दौरान तापमान -300 डिग्री सेल्सियस से -1000 डिग्री सेल्सियस पर मिनट तक की कमी हो जाती है। इस तरह से फ्रीजिंग की जाती है। इसके बाद और ये ठंड प्रक्रिया की तेज़ी के कारण सेल के भीतर बर्फ के छोटे छोटे से क्रिस्टल बन जाते हैं, और इस तकनीकी का उपयोग हम ज़्यादातर शूट टिप्स और सोमेटिक एम्ब्रियो के प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। स्टेप बाय स्टेप फ्रीजिंग में क्या करते हैं, ये स्लो और रैपिड फ्रीजिंग का संयोजन है। इसमें फ्रीजिंग चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और टिश्यू को पहले मध्यवर्ती तापमान पर ठंडा किया जाता है और फिर 30 मिनट तक इसी तरह उस तापमान पर रखा जाता है। फिर तेज़ी से लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाया जाता है। सस्पेंशन कल्चर, इस तरह के कल्चर में हम इस विधि में सस्पेंशन कल्चर, शूट टिप, बर्ड्स आदि के लिए ये विधि उपयोगी है। ड्राई फ्रीजिंग, ड्राई सीड को कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है इस मेथड के द्वारा, ड्राई फ्रीजिंग मेथड के द्वारा। अब फ्रीजिंग के बाद इसको स्टोरेज किस तरह से किया जाए, तो सामान्यतः 70 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री की सीमा में तापमान पर सेल्स या टिश्यू का स्टोरेज किया जाता है, और स्टोरेज आदर्श रूप से लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। वाष्प चरण में 1 से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस पर, और लिक्विड फेज में -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। स्टोरेज का उद्देश्य है कि सभी सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रोकना, मतलब सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही होती हैं उसको रोकना, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रोकने के साथ ही उसके बिहेवियर या एक्टिविटी को, सेल का जो बिहेवियर है या जो नेचर है और जो उसकी एक्टिविटी है उसको बनाए रखना है। फिर थॉविंग, आमतौर पर जो जमे हुए सैंपल होते हैं उनको गर्म पानी मतलब 37 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुमाते हुए पिघलाया जाता है। मतलब ये तो फ्रीजिंग हो गई, जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब हम क्या करते हैं, सैंपल को या उस कंटेनर को निकाल लेते हैं और फिर उसको गर्म पानी का ट्रीटमेंट, गर्म पानी में पिघलाया जाता है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है तब सैंपल एम्पूल्स को 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद जो थॉट किया हुआ जो सैंपल है उसका रिकल्चर किया जाता है। तो जर्म, ये थॉट जर्म प्लास्ट जो है इसको कई बार पानी से धोया जाता है जिससे क्रायोप्रोटेक्टेंट रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर फ्रेश मीडियम में उनका रिकल्चर किया जाता है। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज, तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कम तापमान पर 1 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस पर, जिस पे बर्फ नहीं जमती है, किया जाता है, और कम तापमान पर प्लांट मटेरियल की ग्रोथ कम हो जाती है। इस विधि से टिश्यू को कोई क्रायोजेनिक इंजरी नहीं होती है। इसके बाद लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज की जो है वो सरल विधि है, और इसमें टिश्यू की सर्वाइवल रेट अच्छी रहती है। फ्रूट, ग्रेप प्लांट और स्ट्रॉबेरी प्लांट इस विधि के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। लो प्रेशर, और ये तो सारी हो गई क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा हम लंबे समय तक लिक्विड नाइट्रोजन में
किसी भी प्लांट प्रोडक्ट को, जर्मप्लाज्म को हम संरक्षित कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका रिकल्चर करके उसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद लो प्रेशर और लो ऑक्सीजन स्टोरेज। तो लो प्रेशर में प्लांट मटेरियल के चारों ओर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दिया जाता है, जिससे जर्मप्लाज्म को घेरने वाली गैसों का प्रेशर भी कम हो जाता है और प्रेशर घटने से विट्रो ग्रोथ भी कम हो जाती है। फिर लो ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन घटाने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है, और इस प्रकार से हम लो प्रेशर और लो ऑक्सीजन पर भी स्टोरेज टिश्यू का कर सकते हैं। अब जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन की जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो इस प्रकार है कि क्रायोप्रिजर्वेशन जो है वो प्लांट मटेरियल की कई जातियों का कई सालों के लिए किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए क्रायोप्रिजर्वेशन एक आइडियल मेथड है। डिसीज़ फ्री प्लांट मटेरियल का प्रिजर्वेशन किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको प्रोपेग्यूट किया जा सकता है। इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज़ का कंजर्वेशन किया जा सकता है, जो कि जिसके अंदर की कई अनुवंशिक लक्षण जो कि लुप्त होने पर है उनको प्रिजर्व किया जा सकता है इन मेथड्स के द्वारा। पोलन की लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए कंजर्वेशन किया जाता है। जर्मप्लाज्म स्टॉक से जब ज़रूरत पड़ती है तब बड़ी संख्या में पौधों को प्राप्त किया जा सकता है और प्लांट्स को प्राकृतिक खतरे से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन के हमको कई फ़ायदे हैं और जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन के द्वारा हम जो अनुवांशिक विविधता को संरक्षित कर सकते हैं, और इसके लिए जो मेथड क्रायोप्रिजर्वेशन वाली मेथड है वो बेस्ट मेथड मानी जाती है। धन्यवाद।